ये मेरे बेटे का है हाशिर का, ये मेरा है, इसके बाबा भी थोड़ी देर बाद खाएंगे। रो रहा था, उसको गोद में उठाया है मैंने, अभी जाएंगे किचन में, आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ पूरी में। तो चलो हाय करो। हम बना रहे हैं पास्ता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं। तो आज मैं बना रही थी अपने किचन में मज़ेदार सा पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। और मेरा अभी अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि लाइट हमारे घर के थोड़ा सेवर जो है ना फ्यूज़ हो चुके हैं, तो इस वजह से अंधेरा हो रहा है। तो अभी बना रही हूँ मज़ेदार सा पास्ता, वीडियो को आपने एंड तक देखना है और यकीनन आपके मुंह में पानी आएगा। और पीछे नज़र आ रहे हैं मैंने कपड़े धोए थे अपने बेटे के, और ये देखिए मेरा बेटा। हाँ जी, तो पीछे से मेरे बेटे की रोने की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, ये देखें। मैं फेस नहीं दिखाऊंगी अभी, आप लोगों से कहा था कि मैं फेस दिखाऊंगी बहुत जल्द, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी, इंशाल्लाह कल परसों की वीडियो में फेस शो करवाऊंगी आपसे। मक्खी तंग करी मुझे। और अभी चलते हैं जी किचन में, दिखाते हैं आपको मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि कल मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी। देखिए मैं वीडियो बैक कैमरा ऑन करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा बेबी फेस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था शो नहीं करवाऊंगी। तो अभी रो रहा था, उसको गोद में उठाया है मैंने, अभी जाएंगे किचन में, आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ पूरी में। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। और ये देखें जी, इस मेरे बेटे के काम देखें, फाटक बना के घूम रहे हैं, एक्स बना हुआ है। देखें जो फाटक पे जो चीज़ें लगी हुई होती हैं उनका बहुत शौक है, ये देखें। और ये मैंने कपड़े धो के सुखाए थे अपने बेटे के, छोटू के, बलाज के। तो फाइनली अब जा रही हूँ मैं किचन में, आपको दिखाते हैं बैक कैमरा करके। ये देखें मिक्स सब्ज़ी बनाई थी मैंने कल, तो अभी बनाते हैं फाइनल हम पास्ता। तो ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे इसमें, दाली डालूँगी सब्ज़ी, ऑयल में डाला है मैंने ज़ीरा, और इसमें डालूँगी डायरेक्ट सब्ज़ी जितनी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि फीका मैंने खाना है और मेरा बेटा भी फीका ही खाएगा। तो ज़रा सी सब्ज़ी डालूँगी इसमें मैं, बस सही है। बाकी पास्ता मसाला डालेंगे इसमें, जो पास्ते के साथ आता है मसाला, ये देखें जी, ये पास्ते के साथ जो मसाला आता है ये डालूंगी इसमें। और ये ज़रा सा डालूंगी मसाला, क्योंकि फीका बनाना है, मुझे मिर्चें मना है और मेरा बेटा भी फीका खाता है, बड़ा वाला यानी कि मोहम्मद हाशिर, ठीक है। इसके अंदर नमक डालूंगी, और नमक मैंने पास्ता उबालते टाइम भी डाला था नमक इसके अंदर ना, इसलिए नमक कम डालूंगी, नमक भी मुझे मना है। हाशिर हल्के 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 हल्के, बहुत हल्के हल्के बेटे, पलट मत देना झूला। हाँ ये देखें झूला झूला रहे हम। आ गई बलाज, आ गई मामा, बस पास्ता डाल के आपसे मिलती। तो ये देखें व्यूअर्स, इसमें मैंने ओके ओके कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सब्जी डाली है और पास्ता डाला है। हाँ सही है, देखो मेरा बेटा बोला अब रोएगा तो मैं झूला झुला दूंगा। सही है जी, अब मैं तो 5 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद प्लेटों में निकाल लूंगी। तो मज़ेदार सा पास्ता रेडी है। जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो अगले दिन मैं पास्ता बना लेती हूँ इसी तरह से, बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो ठीक है, खाने खा खा के घर में परेशान आ गई थी, तो आज मैंने सोचा मैं पास्ता बना लेती हूँ, ठीक है। अब मैं प्लेटों में निकालने लगी हूँ उसको, चूल्हा बंद कर देते हैं। तो फाइनल व्यूअर्स, मज़ेदार सा पास्ता हो गया है रेडी, अब मैं जा रही हूँ उसको खाने के लिए। ये मेरे बेटे का है हाशिर का, ये मेरा है, इसके बाबा भी थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो मेरा बेटा भी मुसलसल रो रहा, अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को देखने। तो फाइनली गाइस, मैं खाना वाना खा चुकी हूँ, पास्ता बहुत मज़े का बना था, अभी एप्पल खा रही थी, और मेरा छोटा बेटा जो है वो खेल रहा है, दोनों खेल रहे हैं, ये बड़ा वाला भी खेल रहा है, देखें ये भी खेल रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं, पीछे नज़र आ रहे होंगे।
ये देखें जी किन चीज़ से खेलना, ये डब्बे बना रखे हैं दवाइयों के डब्बे जो हमारे घर में आते हैं ना, सारे इन्होंने मिला के टेप लगा लिए सब पे, ट्रेंड बना ली उसकी। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, और कल वाला व्लॉग कैसा था ये भी आप लोगों ने बताना है, और क्या नाम है इसका, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं आप, वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमारी फैमिली को याद रखें, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे, बोलो अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे अल्लाह हाफिज़।